मैं हूं जित इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं केडीए लेबर यूनियन के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है केडीए लेबर यूनियन के सदर कमरू जफर खान, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं? मैं अदनास आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारी दुआलम का महीना चल रहा है, रबी अव्वल का महीना चल रहा है, रहमतों का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है। मेरी दरख्वास्त होगी सिंध गवर्नमेंट से और केडीए इंतज़ामिया से कि ए हाकिमुल वक्त, ए हुकूमत के मानने वालों, ए हुकूमत के चाहने वालों, केडीए मुलाज़मीन पर तरस खाओ, केडीए मुलाज़मीन के मसाइल को खुसूसी तवज्जो से हल करो। केडीए के मुलाज़मीन इस वक्त बेसर व तमा हैं, उनकी तनख्वाहों का पूछने वाला कोई नहीं है, उनके सीपी फंड को देने वाला कोई नहीं है, उनके नाजायज़ जायज़ प्रमोशन जो हो रहे हैं उन पर जितनी भी मदम्मत की जाए वो कम है। जो सीनियर लोग हैं उनको छोड़कर हम ये एहतजाज करते हैं कि जो जूनियर लोग प्रमोट किए जा रहे हैं उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इस तमाम खेल में केडीए का सेक्रेटरी मुलव्वस है। हम हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से, नैब से, मुतसिब से और अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि केडीए के सेक्रेटरी के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो केडीए के मुलाज़मीन का हक है, जो मुलाज़मीन केडीए रिटायर के करीब हैं और वो सीनियर मोस्ट हैं और उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, और जूनियर लोग जो पैसे दे देकर प्रमोट हो रहे हैं, ना अहल लोग केडीए पे मुतल्लक किए जा रहे हैं, केडीए की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैं केडीए इंतज़ामिया और खुसूसन हुकूमत सिंध और नौजवान पेशवा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब, उनके वालिद माजिद करम फरमा जिन्होंने केडीए को बहाल कराया अपनी समरी से, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आसिफ अली जरदारी साहब से कि केडीए की जानिब खुसूसी तवज्जो दें, केडीए के मसाइल हल करें, केडीए को जो सिंध गवर्नमेंट मराठ और ग्रांट दे रही है उसमें इजाफा करें, और अगर ये उनके बस में नहीं है तो हमारी आपसे केडीए मुलाज़मीन की जानिब से माह रबी अव्वल में सरकार दो आलम के इस महीने में आपसे दरख्वास्त है दर्दमंदाना कि केडीए का मास्टर प्लान केडीए को वापस किया जाए ताकि हमारी अर्लिंग जो है वो जारी हो सके। और पूरी दुनिया में कहीं पर ये मिसाल नहीं मिल रही कि एक शहर के अंदर तीन अथार्टियाँ काम कर रही हूँ। लिहाजा हमारा आपसे मुतालबा है, केडीए लेबर यूनियन का ये मुतालबा है, केडीए मुलाज़मीन का ये मुतालबा है, कराची की आवाम का ये मुतालबा है कि केडीए में एक अथार्टी का क़याम जिस तरह था उसी को किया जाए, लियारी और मलिर को केडीए में वापस दम किया जाए। केडीए मुलाज़मीन के मसाइल के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि केडीए मुलाज़मीन की तनख्वाहें जो हैं वो 1 से लेकर 10 तारीख तक अदा की जाए, और मुलाज़मीन जो रिटायर के करीब हैं, जिनके पेंशन, जिनकी ग्रेजुटी और जिनके मसले मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि केडीए मुलाज़मीन के मसाइल हल हो सकें। केडीए लेबर यूनियन आइंदा रेफरेंडम में इंशाल्लाह भारी बरकत से इंशाल्लाह इख्तदार में आएगी, मुलाज़मीन के मसाइल हल करेगी। केडीए लेबर यूनियन जिंदाबाद। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।